और इस वक्त एक और मुद्दा है जो बहुत गर्म है, क्या सियासी जंग में कोरोना को भूल गए तेजस्वी यादव? ये मुद्दा इसलिए गर्म है क्योंकि कोरोना संकट के बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव सियासत करने सड़क पर उतर गए हैं। उनके साथ उनके समर्थक भी भीड़ में जुट गए हैं, जिसे ना तो कोरोना की परवाह है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग की। असल में तेजस्वी यादव अपने समर्थकों के साथ बिहार के गोपालगंज जिले जाना चाहते हैं क्योंकि वहां कुछ दिन पहले 3 लोगों की हत्या हुई थी और हत्या के आरोपियों में जेडीयू विधायक अमरेंद्र पांडे का भी नाम है। इसी मुद्दे पर प्रदर्शन के लिए तेजस्वी यादव अपने समर्थकों के साथ गोपालगंज जाने की तैयारी में थे, लेकिन बिहार पुलिस ने उनके घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी, जिससे नाराज आरजेडी समर्थकों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और धरना प्रदर्शन किया। पुलिस ने तेजस्वी यादव की कार रोकी तो उनके समर्थक धक्का मुक्की करने पर उतर आए। तेजस्वी यादव के समर्थकों का आरोप है कि पुलिस उन्हें घर से ही नहीं निकलने दे रही है। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए खास मेहमान जुड़ रहे हैं, मृत्युंजय तिवारी आरजेडी से हैं, अजय आलोक जेडीयू से है, पटना से हमारे सहयोगी चंद्रमोहन जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, जरा बता दीजिए अभी की तस्वीर क्या है और नौबत हाथापाई तक की क्यों आ गई? बिल्कुल, देखिए अभी की तस्वीर ये है कि तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, अभी पहुंचे हैं विधानसभा अध्यक्ष से मिलने के लिए। और तेजस्वी यादव का यह मांग है कि जो अमरेंद्र पांडे हैं, जिनके खिलाफ यह आरोप लगा है जो 13 हत्याकांड है उसमें, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और साथ ही विशेष सत्र सदन की बुलाई जाए और जिसमें बहस हो कि आखिर क्यों नहीं पुलिस उनको गिरफ्तार कर रही है और सत्ता के संरक्षण में जो अमरेंद्र पांडे हैं उनको गुंडागर्दी करने की छूट मिली हुई है। तो इसको लेकर तेजस्वी यादव अभी विधानसभा अध्यक्ष से मिलने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि जब तेजस्वी यादव सुबह में 9 बजे निकलना चाह रहे थे गोपालगंज, उस समय वहां पर पुलिस की काफी बंदोबस्त थी जो निकलने नहीं दिए। हालांकि जो इनके समर्थक थे, जो विधायक थे, वो इनके घर पहुंचे हुए थे और सीधे तौर पर इनका यह मांग था कि वह गोपालगंज जाएंगे, उन पीड़ित परिवारों से मिलेंगे और साथ ही गोपालगंज में इसके खिलाफ आवाज भी उठाएंगे, लेकिन पुलिस उनको जाने नहीं दी, उनको अनुमति नहीं थी जाने के लिए। तो अभी वो विधानसभा अध्यक्ष से मिलने चंद्रमोहन को आपने सुन लिया, क्यों नहीं जाने दे रहे आप तेजस्वी को? भाई ऐसा है कि लॉकडाउन चालू है और सेंट्रल एपिडेमियोलॉजी एक्ट 2005 लागू है। इतनी समझ आज की तारीख में एक 6ठे क्लास के बच्चे को भी है कि वो लोग भी 5-6-7 आदमी 10 आदमी मिलकर क्रिकेट नहीं खेलते। लेकिन यहाँ देखिए पूरी जंगल राज की टीम खड़ी कर ली, 100 आदमी इकट्ठे हो गए। अरे क्या सियासी ड्रामा अभी करने की जरूरत है क्या? कोई आप पूछ नहीं रहा है, आप लोग कोई दिखा नहीं रहे हैं, न्यूज़पेपर वाले कोई भाव नहीं दे रहे हैं, तो जबरदस्ती अपने विधायकों को पूरे बिहार से इकट्ठा कर रहे हैं, मार्च करेंगे। अरे खुद की जान तो खतरे में डाल ली है ना, और बाकी सब कार्यकर्ताओं की भी जान खतरे में डाल रहा है। नहीं कोई तरीका है, कोई सभ्य आदमी जिसमें हल्की सी भी सामान्य ज्ञान रहेगा वो की हरकत करेगा कभी? मृत्युंजय तिवारी, लॉजिक है बिल्कुल। अजय आलोक जी कह रहे हैं कि जो सामान्य ज्ञान होना चाहिए, तेजस्वी जी के जो बयान और ट्वीट हम देखते हैं उसमें तो वो बहुत सामान्य ज्ञान एक्यूरेट दिखता है, लेकिन उनकी ये जो हरकत है जिसमें वो पूरी भीड़ जुटा रहे हैं, आप समझ रहे हैं कितना बड़ा खतरा है वो खुद के लिए और दूसरों के लिए? देखिए जब गरीबों पर, लाचारों पर, बेवसों पर जुल्म होता है तभी जो है तेजस्वी यादव जी निकले हैं बाहर। 2 महीने से तो लॉकडाउन का और सभी नियमों का पालन किया जा रहा था और सरकार में बैठे हुए लोग कल गोपालगंज में 1000 मोटरसाइकिल का जुलूस निकाल रहे हैं उनके विधायक, जिनके परिवार के 3 लोगों की हत्या हो गई, जो लोग नरसंहार करने की इनको छूट दे दी जाएगी। इनके लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, लोगों का हत्या कर रहे हैं लॉकडाउन में और लूट मचा रहे हैं। कोई मांगता है इनके विधायक से रोजगार तो कहते हैं जिसने पैदा किया और बाप से दिया तुमको रोजगार, कोई मांगता है रोटी तो मिलता है लाठी, कोई थाली में भोजन मांग रहा है थाली में उनको मिल रहा है गाली। ये लोग क्या समझ लिए नेता प्रतिपक्ष अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहे हैं? आपकी दलील भी सही हो सकती है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना के दौर में आप लोग इस तरह से भीड़ लगा देंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने क्या कहा है वो मैं सुना देती हूँ, आप ही के नेता क्या कह रहे हैं सुन लीजिए। पुलिस ने उन्हें गोपालगंज जाने से रोका, पुलिस अपराधियों को तो खुला छोड़ देती है लेकिन हमें हाउस अरेस्ट कर रही है, ये कहना था तेजस्वी का। अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे की गिरफ्तारी नहीं हो रही है जिसको लेकर तेजस्वी यादव गोपालगंज के लिए निकले हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए कि गोपालगंज आप लोग निकल रहे हैं, आप क्या चाहते हैं? अरे चाहते क्या, अपराधी गिरफ्तार हो,
बिहार में अपराधियों के लिए लॉकडाउन नहीं है, गोपालगंज जो है रेड जोन में है, लेकिन अपराधियों को छूटे जाओ, फायरिंग करो, गोली मारो, हत्या करो। लॉकडाउन तो इसलिए लोगों की जान बचाई जा सके, लेकिन सत्ताधारी जो दल विधायक हैं नीतीश कुमार जी के दिशा निर्देश पे, उनको बचाया जा रहा है और उनको छूट है, पास है उनको गोली मारने की, हत्या करने की। नेता प्रतिपक्ष विधायक जितने भी विधानसभा की कमेटी के चेयरमैन हैं उनको रोका जा रहा है और अपराधियों को छूट है क्या? और गोपालगंज मेरा गृह जिला है, मेरे को अपने गांव जाने से कैसे रोक सकती है? हाउस अरेस्ट कर रहे हैं ये, आखिर कहाँ है कागज बताएं, हाउस अरेस्ट का कागज दिखाएं। नहीं, लेकिन अजय आलोक जी, अगर आपको भीड़ से दिक्कत थी, मतलब कोरोना काल में भीड़ नहीं लगनी चाहिए थी, आपने उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया, आप उन्हें ये कह देते कि भाई आपको अकेले जाना है तो जाने दो ऐसे, लेकिन भीड़ लगा के नहीं जाने देंगे, आप तो रोक ही रहे हैं उन्हें, हाउस अरेस्ट कर रहे हैं, तो फिर तो आप पर सवाल उठेंगे। देखिए, सेंट्रल एपिडेमियोलॉजी एक्ट के तहत इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट बैंड है, अगर उनको जाना है तो उनको पास लेना चाहिए। खैर, ये सब तकनीकी पहलू, तकनीकी पहलू आरजेडी के लोगों को समझाने की जरूरत है। आपने पास की बात करी, वो पास ले आएंगे तो जाने देंगे आप उनको? मैं वही कह रहा हूँ, वो तकनीकी पहलू है, उसकी बात छोड़िए। नहीं नहीं, जाने देंगे, तकनीकी पहलू पे ही बात कर रही हूँ मैं, अगर जाने देंगे ना, पास के लिए अप्लाई। मृत्युंजय जी सुन लीजिए, पास होगा तो जाने देंगे, बोलिए अजय जी। अब मैं आपको इनका ड्रामेबाजी दिखाता हूँ, जो कितने बड़े ड्रामेबाज हैं। ये कह रहे अपराधी को छूट दी हुई है, अपराधी पप्पू पांडे को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, मान गए तेजस्वी यादव की बात, तो ये अपराधी पप्पू पांडे को माला तेजस्वी यादव क्यों पहना रहे हैं? भाई दिखाइए जरा अपने दर्शकों को, ये अपराधी पप्पू पांडे को माला क्यों पहना रहे हैं तेजस्वी यादव? इसी अपराधी पप्पू पांडे के बगल में लालू यादव क्या कर रहे हैं? ये बहुत बड़े अपराधी हैं, ये बहुत बड़े अपराधी हैं, इनको कहीं नहीं छोड़ना चाहिए। बाप बगल में बैठता है, बेटा माला पहनाता है, और उसके बाद यहाँ पे ड्रामाबाजी की जाती है पटना में, और हजारों लोगों की जान खतरे में दी जाती है। ये इनका असली चेहरा और चरित्र, और वो भी कोरोना काल में। अजय इनको कोई पूछ नहीं रहा है, ना जनता पूछ रही है, ना राजनीति की पूछ रहे हैं, इनके अपने वर्कर इनको छोड़ के भाग रहे हैं। बेचैनी इस बात की है कि हमारा होगा क्या, हम तो जाए जहन्नुम में चले जाएंगे, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, तो अब ये ड्रामा कर दिया। अजय जी बता रहे हैं कि ये सब कुछ बिहार में आरजेडी को अपनी एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए करना पड़ रहा है, लेकिन असल तस्वीर क्या है? देखिए, पिछले कई महीनों से लगातार तेजस्वी यादव बाहर रह रहे थे, जब लॉकडाउन हुआ उस समय भी बाहर थे, तो सीधे तौर पर उनका उनके ऊपर यह सवाल खड़ा हुआ था कि जब भी कोई बड़ा आपदा आता है तो तेजस्वी यादव बाहर रहते हैं। ऐसे में अभी जो सवाल खड़े हो रहे हैं उनको लेकर कि तेजस्वी यादव काफ़ी दिनों से बाहर थे, और ऐसे में जब ये लॉकडाउन के बाद जब ये पहुंचे हैं तो कहीं ना कहीं वो अपनी जगह भी बनानी चाहते हैं, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि आज तेजस्वी यादव जो हैं वो जाना चाह रहे थे गोपालगंज, लेकिन सीधे तौर पर जिस तरह से वहाँ पर पुलिस की तैनाती थी, वहाँ पर अधिकारियों की डिप्लॉयमेंट थी, वो बाहर नहीं निकलने दिए। और अभी तेजस्वी यादव जो हैं वो विधानसभा अध्यक्ष से मिलने के लिए आए हैं, इनका साफ तौर पर यह मांग है कि विशेष सत्र बुलाई जाए और उसमें यह इस मुद्दे को लेकर बहस होनी चाहिए कि उस जो जेडीयू के विधायक हैं उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कहीं ना कहीं पुलिस पर भी उठ रहा है कि जब उनका नाम, पप्पू यादव का नाम इस FIR में है, तो उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? मृत्युंजय जी, अभी अजय आलोक जी को पता नहीं आप देख पाए नहीं देख पाए, अगल बगल बैठ के पिता पुत्र फोटो खिंचवाते हैं, फिर पूरा ड्रामा रचते हैं। देखिए, अजय आलोक जी जिस मानसिकता से ग्रसित हैं, इनके जो मुखिया हैं माननीय नीतीश कुमार जी, सवाल उनसे है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी का। ये कहते हैं किसी को बचाते नहीं, किसी को फंसाते नहीं, एक परिवार के तीन लोगों की हत्या जिसने की, जिस विधायक के संरक्षण में हुआ, वो खुलेआम घूम रहा है, पुलिस को चुनौती दे रहा है, प्रशासन को चुनौती दे रहा है, और सरकार बैठी हुई हाथ पर हाथ रख के, तो क्या नेता प्रतिपक्ष अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं करेंगे? नेता प्रतिपक्ष 11 करोड़ बिहार के लोगों की आवाज बन करके खड़े हैं। इस संकट काल में भी वो मदद कर रहे थे, पहले तीन लोगों ने मजदूरों के नाम पर राजनीति की, उनको लाने के नाम पर हाथ खड़े किए, उनको सरकार को दबाव बना करके तेजस्वी यादव जी के कारण आज मजदूर आए हैं और मजदूरों की जान जा रही है, ट्रेन में जो सुविधा नहीं मिल रही है, इस पर इनका ध्यान नहीं है।
और ये नेता प्रतिपक्ष पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आप ही के मुद्दे की बात कर रहे हो, अब आप प्रवासी मजदूरों पर आ गए, ट्रेनों पर आ गए। आप मुझे बताइए कि वो जो तस्वीर अभी अजय आलोक जी दिखा रहे थे वो भी तो सच है? आप जिसको लेकर इतना बवाल कर रहे हैं उनके अगल बगल बैठ के खुद ही आप तस्वीरें खिंचा रहे हैं, फिर कह रहे हैं कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ। देखिए ये फोटो पर ही सियासत करते हैं, इनको जो हकीकत है इस पर क्यों नहीं बोलते? तीन लोगों की हत्या हुई क्या नहीं हुई? नेता प्रतिपक्ष ने तीन दिन अल्टीमेटम दिया था कि नहीं सरकार को, इस पर कैसे बोलेंगे? क्यों नहीं गिरफ्तार हुए? जब आरोपी है जेडीयू के विधायक तो क्यों उनको बचाया जा रहा है? वो मीडिया में आकर बयान दे रहे हैं, पुलिस प्रशासन को चुनौती दे रहे हैं, और सरकार के संरक्षण में अगर इस तरह का हत्याकांड अंजाम दिया जाता है तो